दोस्तों, क्या आप ऐसी बुक सुनना पसंद करेंगे जिसको लिखने में लेखक के 25 साल लग गए? इन 25 सालों में लेखक ने 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण किया और देखा कि लोग अमीर बनते कैसे हैं, और साथ साथ 500 से ज़्यादा दुनिया के सबसे सफल लोगों के इंटरव्यू के बाद जिस बुक को लिखा गया हो। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन, टेलीफोन का आविष्कार करने वाले ग्राहम बेल, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार कंपनी के ऑनर हेनरी फोर्ड, अमेरिका के पहले अरबपति जॉन डी रॉकफेलर, अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट, जॉर्ज ईस्टमैन सहित 500 से ज़्यादा सफल लोगों के इंटरव्यू के बाद यह बुक बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी बुक को सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। यह बुक ऑल टाइम 5 बेस्ट बुक में से है, जिसकी आज तक 10 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि आप वर्ल्ड के टॉप सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस सीक्रेट सुनने में बिजी हो जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक बोलती किताबें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको आपके लाइफ के हर फील्ड से रिलेटेड यूजफुल जानकारी किताबों के माध्यम से समय पर मिल जाए और इनको यूट्यूब में जगह जगह ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 500 से ज़्यादा बहुत सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू के बाद सक्सेस मनी हासिल करने को टोटल 13 स्टेप्स में डिवाइड करके लेखक ने एक कम्प्लीट गाइडलाइंस हमारे सामने रख दी है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए। जैसा इस बुक के नाम से पता चलता है, सोचो और अमीर बन जाओ। दोस्तों, इसके फॉर्मूला पर चलकर न सिर्फ अमीर बनने की राह पर चल पड़ेंगे, बल्कि आप हर चीज़ पा सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। इन 13 स्टेप्स में से पहला है डिज़ायर। धनवान बनने की तरफ पहला कदम है आपके अंदर इच्छा का होना। दोस्तों, सफल होने की इच्छा तो सबके अंदर होती है। ऑथर उस इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं, वो बर्निंग डिज़ायर की बात कर रहे हैं। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इसी बुक में एक एडविन बॉन्स की कहानी सुनाती हूँ। एडविन सी बॉन्स, वह थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था, लेकिन उसके पास न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। किंतु वह एक मालगाड़ी पर सवार होकर वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने घोषणा कर दी कि वह इस आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बॉन्स को अपने पहले ही इंटरव्यू में एडिसन की पार्टनरशिप नहीं मिली थी, उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का एक मौका मिला था। समय बीतता गया, लेकिन कभी भी बॉन्स ने अपने उस बर्निंग डिजायर को कम नहीं होने दिया जो कि उसका थॉमस के साथ पार्टनरशिप का था। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की एक बहुत बेहतरीन चाल यह है कि वह कभी बता के नहीं आती है। और एक बार थॉमस एडिसन ने डिक्टेटिंग मशीन बनाई जिसको बेचने में उनके सेल्समैन बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह बड़े प्रयास के बिना इसे बेच सकते हैं। बॉन्स ने तुरंत अपना अवसर देखा और बोला कि वह उसे बेच सकता है। बॉन्स जानता था कि वह एडिसन की इस डिक्टेटिंग मशीन को बेच सकता है, और उसने मशीनें बेची। वास्तव में उसने इतनी सफलतापूर्वक यह बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक पूरा पार्टनरशिप दे दिया। और उसने एक एग्जाम्पल सबके सामने रखा कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बॉन्स की इच्छा सिर्फ इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक उम्मीद भर नहीं थी, वह एक तीव्र धधकती हुई इच्छा थी। ऑथर ने यहाँ पे इस बर्निंग डिजायर को पाने के 6 स्टेप बता गए हैं। ये 6 व्यवहारिक कदम इस प्रकार हैं। सबसे पहला, आप अपने मन में इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय कर लें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, इस तरीके के वाक्य मत बोलें। एक निश्चित धनराशि लिखें कि आप कितना पैसा चाहते हैं। दूसरा, आप इच्छित पैसे के बदले वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं यह निर्धारित कीजिए। कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा, इस तरीके के बोल मत बोलिए। एक निश्चित तारीख लिख ले वहाँ पे कि इतनी तारीख से पहले मुझे इतने पैसे पाने हैं। चौथा, अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और इन सब चीज़ों को एक संक्षिप्त बयान के रूप में स्पष्ट रूप से एक जगह लिखें, और इस लिखे हुए बयान को 2 बार दिन में
और 2 बार रात को सोने से पहले पढ़ें और देखें और महसूस करें, अपने ऊपर विश्वास करें कि पैसे पहले से आपके कब्जे में हैं। पैसे आपके कब्जे में हैं मतलब आपको एक आस्था रखनी है उसे पाने की। ऑथर इसके लिए कहते हैं कि एक चीज को चाहने व उसे पाने के लिए तैयार होने के बीच में एक अंतर होता है, और व्यक्ति तब तक तैयार भी नहीं हो सकता है जब तक उसे विश्वास ना हो कि वह इसे हासिल कर सकता है। इसीलिए इस विश्वास, इस आस्था को लेखक ने धनवान होने की राह में दूसरा स्टेप बताया है। बिना अटूट आस्था व विश्वास के आप वह चीज़ कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, मैं विश्वास, समर्पित इच्छा की शक्ति में बहुत भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैंने इस शक्ति को बहुत निचले स्तर से शुरुआत करने वाले लोगों को सत्ता और धन के शिखर पर पहुँचाते हुए देखा है। उनमें से हर किसी को दृढ़ विश्वास था कि वो चीज़ें वो पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आना स्वाभाविक है कि हम यह अटूट विश्वास कर ही नहीं पाते हैं, कैसे करें, ये आखिर अपनी चीज को पा ही लेंगे। इस बात पर अटूट विश्वास करने के लिए लेखक ने जो सॉल्यूशन दिया है वह है आत्म सुझाव, जिसको लेखक ने थर्ड स्टेप बताया है। लेखक कहते हैं, आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसको आप आत्म सुझाव अफर्मेशंस के माध्यम से पा सकते हैं। जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए, बार बार उन वाक्यों को बोलकर उन पर विश्वास करने से आप उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। हम बहुत ध्यान से सोच समझ कर गाड़ी चलाते हैं। धीरे धीरे बार बार गाड़ी चलाते चलाते हमको इसकी आदत हो जाती है, तो फिर हम गाना सुनते सुनते, फ़ोन पर बात करते करते भी गाड़ी चला लेते हैं। कब ब्रेक दबता है, कब हम हॉर्न बजाते हैं, ये सब हमको खुद भी पता नहीं चलता है। ऑटोमेटिक हमसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये काम कराता है। यह इसीलिए हुआ क्योंकि बार बार करने से वह काम अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड करने लगा है। इसीलिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस, आत्म सुझावों को बार बार बोलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करेगा तो आपका यह सेकंड स्टेप आस्था वाला आप पा लेंगे। लेखक कहते हैं, अवचेतन मन एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां सभी विचारों, आवेगों को रियलिटी में बदलने के लिए तैयार किया जाता है। आत्म सुझावों का और अच्छे से फायदा लेने के लिए आप अपने सारे आत्म सुझाव एक पेपर पर लिख लें और ऐसी जगह उसको रखें जहां आप सुबह और शाम इसे देख सकें और पढ़ सकें। अमीरी की राह का चौथा स्टेप है विशेषज्ञता हासिल करना। दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं या करने जा रहे हैं उसके लिए आपको उस फील्ड का विशेष नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यह नॉलेज आपके पास ही हो यह ज़रूरी नहीं है, आप इस तरीके का नॉलेज हासिल भी कर सकते हैं, हायर भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान तब तक लाभदायक नहीं है जब तक आप उसे कहाँ उपयोग करना है इसकी कल्पना न देख लें। याद रखें, कल्पना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान, टैलेंट, एक्सपर्टीज बहुत लोगों में होती है, आप उनको हायर कर सकते हैं, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, कैसे करवाना है, ये इमेजिनेशन पावर सब में नहीं होती है। इसीलिए कल्पना को, इमेजिनेशन को ऑथर ने फिफ्थ स्टेप बताया है। बिना कल्पना के कोई भी चीज पाना लगभग असंभव है। ग्राहम बेल ने कल्पना की थी कि ज़्यादा दूरी में लोगों को एक दूसरे की आवाज़ सुननी चाहिए, तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने का सोचा तो हवाई जहाज का निर्माण हुआ। आज जो चीज़ें हकीकत हैं वो कभी ना कभी किसी की कल्पना में थी, और इस बुक के सारे स्टेप फॉलो करके आप भी अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ कल्पना करके आप पैसा या कोई मनचाही चीज पालेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित नियोजन को ऑथर ने 6 स्टेप में रखा है। आपको अपनी कल्पना को हकीकत बनाने के लिए एक संगठित, सुव्यवस्थित योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी योजना फेल होती है तो दूसरी योजना बनाइए, दूसरी योजना फेल होती है तो तीसरी योजना बनाइए, और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक सही योजना नहीं मिल जाती है। ऑथर बताते हैं कि मैंने मेरी बुक लिखने के इन 20-25 सालों में मैं ऐसे कई हजार पुरुष स्त्रियों से मिला जो ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, और विडंबना यह है कि इनकी संख्या सफल लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद मैंने विश्लेषण किया कि इन सबकी असफलता के फेलियर में 30 कारण को मैंने ढूंढ निकाला है।
आप इन 30 कारणों को देखिए और या देखिए कि आपकी विफलता का कारण इसमें से क्या है या क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप उन कारणों का पता लगा लेंगे तो सॉल्यूशन भी इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, इन 30 कारणों को यहाँ डिस्कस करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये 30 रीज़न दे रखे हैं, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिसीजन लेना। जो असफलता के 30 कारण लेखक ने बताए हैं, इन कारणों में से सबसे इम्पॉर्टेंट वो ध्यान देने योग्य चीज़ है जो लेखक हमको बताते हैं, वह यह है कि इन 30 कारणों में से सबसे ज़्यादा लोगों की विफलता का सबसे बड़ा कारण था वह है निर्णय लेने की कमी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोग दूसरों की राय से दूसरों से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए आप अपने परामर्शदाता खुद बने। आपका खुद का एक मस्तिष्क है, खुद का एक मन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाइए। दोस्तों, हमको हमारी लाइफ में हर दिन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हमारे सामने खाना रखा है, फास्ट फूड रखा है, एक तरफ फ्रूट्स रखे हैं, तो हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं। लाइफ में हर दिन आपको डिसीजंस लेने हैं, तो इसीलिए हमेशा अपने डिसीजन खुद लेने की एक हैबिट डालिए। डिसीजंस कैसे लेना है, डिसीजन लेने के कन्फ्यूजन्स को कैसे दूर करें, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है जो मैं कोशिश करूंगी जल्दी आपके सामने उसको ऑडियो फॉर्म में लाने की। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि आपको आपके जीवन के हर डिसीजन खुद लेने की आदत डालनी है। बस करना इतना है कि डिसीजन ना लेने से मुझे क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या फ़ायदा होंगे, और डिसीजन लेने के बाद मुझे क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये एक बार आप सोच लीजिए, और जैसे ये सोच लिया तुरंत डिसीजन ले लीजिए। क्या आप एक बार डिसीजन लेने से सफल हो जाएंगे? नहीं। आपकी योजना गलत भी हो सकती है, आपके निर्णय गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको लगातार दृढ़ता से कंटिन्यू प्रयास करते रहना है। इसी को लेखक ने 8वें स्टेप में बताया है, निरंतर प्रयास, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता की कमी विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। लेखक ने यहाँ कुछ कारण बताए हैं जिनकी वजह से लोग दृढ़ता से लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। पहला कारण है, व्यक्ति को क्लियर समझ ही नहीं पाता है कि सच में उसको चाहिए क्या। दूसरा, वह स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं लेना चाहता है। तीसरा, अनिर्णय लेने की आदत। चौथा, संपत्ति को, पैसे को लक्ष्य बनाने की बजाय जो है उसी में संतुष्ट रहने की आदत। आलोचना का डर। इस तरह से 15 कारण लेखक ने बताए हैं जिनके कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य पर टिका हुआ नहीं रह पाता है। आपको यहाँ स्क्रीन पर ये सारे कारण दिख जाएंगे। आप इनमें से खुद की कमजोरी, खुद के कारण को पहचान सकते हैं। आपका कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप काम को बीच में छोड़ देते हैं बिना अपने लक्ष्य को हासिल किए। और दोस्तों, यह ढूंढना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सफलता पाने का ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। चाहे लोग कुछ भी बोलें, चाहे मैं कितने भी बार फेल हो जाऊं, लेकिन मैं एफर्ट्स लेना नहीं छोड़ूंगा, मैं लगा रहूंगा, यही सफलता का मूल मंत्र है। इसीलिए आपको वह कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आप लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही बीच में रुक जाते हैं। अब एक बात और यहाँ पे आती है, क्या आप सारे काम खुद करके सफलता को पालेंगे? क्या आप में सफलता को पाने की सारी क्वालिटीज़ हैं, उस फील्ड से रिलेटेड सारा नॉलेज है? शायद नहीं। आपको कुछ एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनको यहाँ पे ऑथर ने मास्टर माइंड ग्रुप का नाम दिया है। सद्भावना, सेम गोल से जुड़े कुछ दिमागों का समूह एक दिमाग की तुलना में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, इसीलिए हमेशा खुद के साथ ऐसे लोगों को ज़रूर रखिए। 11th स्टेप जो ऑथर ने बताया है वो है सेक्स का रूपांतरण। सेक्स की भावना मन की एक ऐसी अवस्था है, इस पर अज्ञान के कारण लोग इसे शारीरिक रूप से ही ले लेते हैं और अनुचित प्रभावों के कारण इसके अधीन रहते हैं। सेक्स रूपांतरण सरल है, इसका मतलब है शारीरिक इच्छा में लगे दिमाग को किसी क्रिएटिव थॉट में लगा देना। जब इसे रूपांतरित किया जाता है और पुनः निर्देशित किया जाता है तो इसका इस्तेमाल शक्तिशाली रचनात्मक शक्तियों के रूप में साहित्य में, कला में, धन संचय में किया जा सकता है। लेखक कहते हैं इसीलिए ज़्यादातर लोग 40 के बाद ही बहुत सफल होते हैं क्योंकि वह इस एनर्जी को रूपांतरित करना सीख जाते हैं। उसके पहले वह उसे सिर्फ शारीरिक अभिव्यक्ति के तौर पर ही देखते हैं। अगला स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड, ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार।
आप अपनी इच्छा से अपने अवचेतन मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हर वह योजना, हर उद्देश्य, हर वह विचार बो सकते हैं जो आप हकीकत में बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हम अपनी ऑलमोस्ट हर ऑडियो बुक में जगह जगह सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में सुनते हैं। मैं कोशिश करूंगी अपनी अगली वीडियो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बनाने की, जिस पूरी बुक में सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ किया जाए इसके बहुत से प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नई वीडियो की आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। चलिए वापस अपनी बुक पे आते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके फेलियर के थॉट पर भी वैसे ही काम करेगा जैसे वो आपके सक्सेस के थॉट पर करता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचने, सक्सेसफुल बनने की ही आदत को, थॉट को माइंड में रखने और उसके बारे में कंटिन्यू सोचना, लिखना, बार बार रिपीट करना, इन आदतों को अपने अंदर डालिए। क्योंकि अब तक हम ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो हम सोचेंगे वही सच होगा। यह सब कार्य हमारा मस्तिष्क ही कर रहा है। हमारा मस्तिष्क एक सुपर से भी सुपर कंप्यूटर है जो हर उस चीज को हकीकत बना सकता है जो ये सोच सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद चीजें पाइए। इसे क्रिएटिव बनाया जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है, इसे प्रेरित किया जा सकता है, बस इसका इस्तेमाल करते रहिए। छठी इंद्री, सिक्स सेंथ, आपके मस्तिष्क का और ब्रह्मांड की बुद्धि के बीच का कांटेक्ट बनाए रखने का एक माध्यम है। इसीलिए आपको सिक्स सेंथ के माध्यम से समय रहते हुए खतरों से बचने की चेतावनी दी जाती है। मुझे चमत्कारों में विश्वास नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक शक्ति है, एक प्रज्ञा है जो हर पदार्थ के हर परमाणु में है। अमेरिकी राह के इन 13 स्टेप को बताने के बाद ऑथर कहते हैं, जीवन के सबसे बड़े सफलता के रहस्य को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। हर मनुष्य की किस्मत में उसको लाना है, परंतु प्रत्येक मनुष्य उतना ही बुद्धिमान है जितना मनुष्य खुद के होने के लिए सोचता है। अंत में लेखक कहते हैं, विदा होते समय आपको याद दिला दूं कि यह जीवन शतरंज की एक बिसात है और आपके विपरीत बैठा खिलाड़ी एक समय है। यदि आप आगे बढ़ने में संकोच करते हैं तो समय के द्वारा आपके मोहरे साफ कर दिए जाएंगे। आप ऐसे साथी के साथ खेल रहे हैं जो अनिर्णय बर्दाश्त नहीं करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि थिंक एंड ग्रो रिच की यह ऑडियो समरी आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कभी आप इसको और थोड़ा शॉर्ट में, सिर्फ 5 मिनट में पूरी बुक समझना चाहते हैं तो इसी चैनल में वह भी अवेलेबल है, आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक के साथ, एक नए यूजफुल टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।